अजय डोभाल ने मंगलवार को गुरुग्राम के कादरपुर में सीआरपीएफ के 80वें स्थापना दिवस पर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत को नमन किया। उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को संबोधित भी किया। अजय डोभाल ने कहा कि जवानों का ये बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गुरुग्राम के कादरपुर में सीआरपीएफ के अधिकारियों की प्रशिक्षण एकेडमी और ग्रुप सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। सीआरपीएफ का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया। अजीत डोभाल ने कहा कि सीआरपीएफ आतंकवाद से निपटने में भी सक्षम है। सीआरपीएफ के 80वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में अजीत डोभाल पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पुलवामा के शहीद जवानों को भी नमन किया। साथ ही कहा कि देश ऐसे जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। और वीर जवानों, आने वाले वक्त में इंसिडेंट से बात देखिए, वक्त के बारे में जब फ्यूचर की प्लानिंग करती है तो इवेंट्स को ध्यान में कि इवेंट्स इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आने वाली समस्याओं के ट्रेंड्स क्या हैं, क्या टेक्नोलॉजीज होंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या हमारी स्ट्रेंथ होगी, क्या हमारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनका आंकलन ज्यादा आवश्यक है। इवेंट्स होते हैं।